पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार को पीसीसी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 34 प्रकोष्ठ बनाए ताकि इन प्रकोष्ठों के माध्यम से समाज के हर प्रकार के लोग जुड़ सके। इन प्रकोष्ठ की बैठकें ली जा रही है। इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ पुलिस, पैसा और प्रशासन है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। पोषण आहार मामले में कहा कि 12 अगस्त को पोषण आहार की रिपोर्ट सीएजी ने सरकार को भेजी थी और कहा था कि सरकार इस पर जवाब दे, लेकिन उनके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। सम्मिलित नहीं है, वो सम्मिलित हो। ये प्रकोष्ठों से ये है कि बहुत सारे लोग जो आम सभा में नहीं आते, पार्टी की मीटिंग में नहीं आते, वो प्रकोष्ठ की मीटिंग में आते। तो 34 प्रकोष्ठ हैं और विभाग, कल मैंने एससी विभाग का सभा करी थी सब विभिन्न जिलों की, साथ साथ मैं दूसरे प्रकोष्ठों की भी मीटिंग कर रहा हूँ। अब सिंधी प्रकोष्ठ है, उनकी भी मैं कर रहा हूँ अगले 2-3 दिन में। परसों मैं आगर मालवा जा रहा हूँ, नलखेड़ा जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं नरसिंहपुर जाऊँगा। उसके बाद मैं अभी छिंदवाड़ा में 6 नगर पालिका चुनाव हैं, तो मैं 3-4 दिन के लिए छिंदवाड़ा जाऊँगा। इस प्रकार से संगठन की मजबूती कैसे आए, बीजेपी के पास जो मैंने हमेशा कही है केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन। मैं लगभग 100 लोगों को रोज़ मिलता हूँ, सबकी कथा सुनता हूँ, किस प्रकार से उनको अपॉइंटमेंट के लिए भी, उनके रोज़गार के लिए भी रेट फिक्स्ड है और ग्रेस मार्क्स देंगे भर्ती हो जाती है। ये सब बातें आज सामने आ रही हैं। और जो मैंने कहा था शिवराज सिंह जी कलाकारी किंग थे, अब घोटाला किंग बन गए।